अस्सलाम वालेकुम। आज हम करने वाले हैं सिम्पसन 3x8 रूल। हम इस 3x8 रूल का सबसे पहले फॉर्मूले को डिस्क्राइब करेंगे और इसके फॉर्मूले को हम उस तरह से कन्वर्ट करेंगे जैसे हम उसको कोडिंग में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसकी कोडिंग करेंगे। तो सिम्पसन 3x8 का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या है, 3h/8। 3x8 है तो 3h/8 वाई नॉट प्लस वाई एन प्लस 2y3 y6 y9 अप टू सो ऑन yn-3। मीन्स के n-3 टर्म जो होगी वो जो n नंबर है उसमें से आपने 3 माइनस कर देना है। प्लस 3y1 y2 प्लस y4 y5 अप टू सो ऑन n-2 एंड n-1 दोनों टर्म्स आएंगी। तो सिम्पसन 3x8 रूल जो है ये इम्प्लीमेंट ही तब होगा जब आपका जो n है ना वो 3 का मल्टीपल होगा। वो 3 मल्टीपल्स मीन 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है, 12 हो सकता है, 15 हो सकता है। वो 3 का मल्टीपल होगा कोई एक नंबर। तो उसके लिए हम ये कोडिंग करेंगे। तो इस फॉर्मूले को हम अपने कोडिंग के मुताबिक सेट करते हैं। तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, इस टर्म को हम इसको लिख सकते हैं समीशन जे इज इक्वल टू 1f(x)3j, क्योंकि हमें ये 3 वाली टर्म्स ही चाहिए। इसमें सारे 3 के मल्टीपल्स चाहिए। J1 होगा तो ये 3, J2 होगा 6, J3 आएगा तो 9। अब हम नेक्स्ट इसका स्टॉपिंग क्राइटेरिया जो है ना वो डिस्कस कर लेते हैं। तो इस टर्म को जब हमने स्टॉप करना है वो हम किस तरह से करेंगे, अब हम वो डिस्कस करते हैं। तो इसका जो स्टॉपिंग क्राइटेरिया है हम वो करेंगे n/3-1। n हम ले रहे हैं 6, n इज इक्वल टू 6 है तो हम क्या करेंगे, n जब यहाँ पे पुट करेंगे 6/2, 3 के पास 2-1 तो 1 आ जाएगा। मतलब कि j जस्ट 1 तक ही जाएगा, क्योंकि अगर j 2 तक जाता है तो वो जो 6 है वो तो यहाँ पर टर्म आनी है ना, वो तो टर्म हमारी यहाँ पे चली जाएगी। तो अगर हम n को इंक्रीज करते जाएंगे तो हमारा उस तरह से आंसर आएगा। अब ये जो है ना टर्म, अब इसको हम किस तरह से सेट करें, क्योंकि इसमें दो तरह से वैल्यूज आ रही हैं, एक n-2 के लिए आ रही है, एक n-1 के लिए आ रही है। तो दोनों को हमें डिफरेंट तरह से सेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, समीशन पहली वैल्यू j इज इक्वल टू 1 और n/3f(x)3j-2। देखें 1 3j-2, इसी तरह से सेम हम बनाएंगे एक वो टर्म जिसमें n/3f(x)3j-1 टर्म होगी। तो हमारी दोनों तरह की टर्म्स इसमें कंप्लीट हो जाएंगी। मैं अब इसको आपको रन करके दिखाती हूँ, मतलब रन करके देखते हैं। तो n इज इक्वल टू 6 है, अगर हम इसमें n इज इक्वल टू 6 रखते हैं, 6/3 2 तक ये जाएगा, 2 तक 2 आंसर आएंगे। j इज इक्वल टू 1 इसमें पुट किया तो 3-2 y1 आ गया। j इज इक्वल टू 2, 3 2 2 6, 6-2 j4 आ गया, क्योंकि हमने n 6 तक लिया हुआ है। अब उसके बाद तो ये फॉर्मूला रुक जाएगा क्योंकि j सिर्फ 2 नंबर्स तक जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे भी j सिर्फ 2 नंबर्स तक जाएगा। तो हम जब j को 1 रखेंगे तो 3-1 y2, नेक्स्ट सेकेंड 3, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई होगा, 3 2 6-1 5। तो ये जो है ना हमारा फॉर्मूला यहाँ तक और इधर से हमारा ये वैल्यू, तो ये आपका फॉर्मूला जो है ये कंप्लीट हो जाएगा y6 के लिए। नेक्स्ट अब हम इसके ऊपर स्टार्ट करते हैं इसकी कोडिंग। जी तो अब हम इसकी कोडिंग को टाइप कर लेंगे। टाइपिंग के लिए एज यूजुअल हमें पहले पैलेट्स ओपन करनी पड़ेगी, f(x) तो अब यहाँ पर हम इसको पैलेट को ओपन करते हैं। जी +1 एंड सेमी कॉलन। नेक्स्ट है हमारे पास, अब हमें जो इंटरवल दिया होगा हम उस इंटरवल को यूज करेंगे। e इज इक्वल टू 0 गिवन है,
एंड बी इज इक्वल टू टू, ये हमारा इंटरवल है, सेमी कॉलन। नेक्स्ट हमारे पास एच जो होता है, स्टेप साइज इज इक्वल होता है बी माइनस ए ओवर एन। नेक्स्ट डू, अब हम जो इसके अंदर लूप यूज करेंगे कि हमारा जो एक्स है वो इंक्रीज करता जाए, तो एक्स के हमें सबस्क्रिप्ट में वैल्यू चाहिए होगी, एक्स जे इज इक्वल टू ए प्लस जे स्टेरिक एच। नेक्स्ट अब हमें यहाँ पे डिफाइन करते हैं जे क्या है, जे जीरो एंड एन, यहाँ पर कॉमा है। नेक्स्ट है, अब हमने इसके न्यूमेरिकल सॉल्यूशन लिखना है, तो न्यूमेरिकल सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हम स्टार्टिंग पे एन लिख देते हैं, ताकि अब हमारी जो वैल्यूज है ना वो सारी की सारी ही अप्रोक्सीमेटेड वैल्यूज हो। तो थ्री एट, थ्री बाय थ्री एच, एच बाय एट, जी। अब हम अपने फंक्शन की तरफ आते हैं, एफ ऑफ एक्स नॉट। नेक्स्ट जैसे जैसे हमने किया हुआ है प्लस, अब हमने किया है थ्री, समीशन की हमने दो टर्म्स बनाई थी, जे इज इक्वल टू वन टू एन बाय एन, एन बाय थ्री, एन एन बाय थ्री एफ ऑफ एक्स। अब एक्स के सबस्क्रिप्ट में आएगा, हमारे पास देखिए दो टर्म्स थी, एक थ्री जे माइनस वन और दूसरी हमारे पास थी थ्री जे प्लस वन। तो हम दोनों को लिखेंगे, तो हम इस तरह से कर सकते हैं कि हम इसी स्टेप को कॉपी पेस्ट भी कर लेंगे। ये हमने कॉपी कर लिया और यहाँ पर हमने इसको पेस्ट कर दिया, और इसी के अंदर से ही यहाँ पर हमने इसको टू चेंज कर दिया। अब नेक्स्ट हमारी वो टर्म्स हैं जिनके साथ टू आ रहा है, प्लस टू समीशन जे इज इक्वल है वन, और एन आपके पास क्या था, यहाँ पर स्टॉपिंग क्राइटेरिया एन बाय थ्री माइनस वन। माइनस वन, अब जो फंक्शन हमें था एफ ऑफ एक्स एक्स थ्री जे, ठीक। तो ये इसका जो न्यूमेरिकल सॉल्यूशन है वो हमने इसका कंप्लीट लिख लिया है। नेक्स्ट इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन आएगा, एग्जैक्ट सॉल्यूशन वही है जो प्रीवियस हमने यूज किया हुआ है, ए टू बी एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू अपने मस्ट लिखते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू ये किसके हो रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास देखिए, नेक्स्ट हमने एरर कैलकुलेट करना है, एरर इज इक्वल है एब्सोल्यूट न्यूमेरिकल सॉल्यूशन और एग्जैक्ट सॉल्यूशन। अब मैं शिफ्ट प्लस इंटर प्रेस करने लगी हूँ इसके आंसर के लिए। हाँ, शिफ्ट प्लस इंटर से हमारा ये आंसर आ गया। अब हमें अगर एग्जैक्ट सॉल्यूशन और न्यूमेरिकल सॉल्यूशन का भी आंसर चाहिए, तो हम उनके आगे से सेमी कॉलन्स को रिमूव कर देंगे, और ये हमारे पास एग्जैक्ट न्यूमेरिकल सॉल्यूशन का आंसर है, ये एग्जैक्ट सॉल्यूशन, और ये हमारे पास इसका एरर आ गया। जी
वो बाय मिस्टेक एन इज इक्वल टू 10 लिखा गया था, लेकिन हमने जो है वो 3 मल्टीपल लिखना है, तो हम एन इज इक्वल टू 9 लिख सकते हैं, एन इज इक्वल टू 6 लिख सकते हैं, 12 और 14। अब इसकी जो वर्किंग थी वो मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दी है कि इसमें जे इज इक्वल टू 1 और ये सारा जो इसकी फॉर्मुलेशन होगी, लेकिन इसकी वर्किंग कैसे होगी, आपके पास स्टार्ट में दिए गए हैं पॉइंट्स, इंटरवल दिया गया है, हमने एच डिफाइन किया है, हमने एन डिफाइन किया है, जो हमारा डू लूप है वो हमारे पास क्या कर रहा है कि एक्स जे, अगर एक्स 1 है तो वो कैसे आएगा, ए प्लस जे इंटू एच, एच जो आपका स्टेप साइज होगा उससे मल्टीप्लाई होने के बाद नेक्स्ट पॉइंट आएगा, ए जो हमारा पॉइंट है जो 0 है, 0 से हमने 2 तक कैसे मूव करना है वो हमने इसी तरह से मूव करना है, ठीक है। तो इंटरवल के दरमियान रहते हुए हमें ये आंसर निकालना है, और ये वाली जो वर्किंग है न्यूमेरिकल सॉल्यूशन वो तो आपको समझ आ गई है कि ये किस तरह से हुई है कि जे इज इक्वल टू 1 हम पुट करेंगे तो ये पूरी लूप से हमें आंसर मिलता जाए। इसी तरह से एग्जैक्ट सॉल्यूशन में ए और बी की वैल्यूज आएंगी और हमारा जो मेन फंक्शन है वो, और उसको डायरेक्ट इंटीग्रेट करके जो आंसर आएगा वो, और उसके बाद एरर में हम उसका एब्सोल्यूट एरर जो कैलकुलेट करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन और एग्जैक्ट सॉल्यूशन में डिफरेंस क्या है वो यार। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।